हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा एनालिसिस। मैं हूं मनोज सावनेर। फॉर मोर अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। टुडे विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक से दो मिनिमम क्वेश्चन इससे आते किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे वो जीपेट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो। और अभी आरआई फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं सबसे पहले कि इस ये लिस्ट का पहला पार्ट होगा। पहला इसमें देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायोक्लोनिक सीजर। ठीक है, मायोक्लोनिक सीजर तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी क्या? वेलप्रोएट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायोक्लोनिक सीजर। हाउ विल यू विल रिमेंबर? माई वॉलेट, माई से मायोक्लोनिक सीजर, वॉलेट से वेलप्रोएट। ठीक है, इस ट्रिक से आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक है। एक से दो बार इसको आप बोलना है, रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सेकेंड वन देखते क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस इन फेब्राइल सीजर एंड द चॉइस इज डायजीपाम। हाउ विल यू रिमेंबर इट? तो मेमोनिक है इसका कि दोस्तों का फेवर करना चाहिए, दोस्त से डायजीपाम और फेवर से फेब्रल सीजर। आसान है ये भी बहुत। थर्ड वन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन पैराइटल सीजर, और इसी को टेम्पोरल लो प्लेस इपलेप्सी बोलते हैं इसको। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, देखते हैं इसको ट्रिक के साथ दिखेंगे। तो इसकी ट्रिक है पार को कार कर। देखो, पार से पार्शियल और कार से कार्बामाजेपीन। ठीक है, पार को कार का मतलब कार से कार्बामाजेपीन। फोर्थ वन देखते क्या है। तो फोर्थ है ड्रग ऑफ चॉइस इन एटॉनिक सीजर्स। ठीक है, तो एटॉनिक सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस है वेलप्रोएट। अगेन वेलप्रोएट है, तो इसका आंसर भी देखेंगे। एटॉनिक से अठन्नी, मतलब इसकी ट्रिक है ये अठन्नी, और वेलप्रोएट से आपको पता है ये वॉलेट, तो अठन्नी इन वॉलेट। आराम से आप याद रख सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। आपको इसको इस पूरे वीडियो को एक बार देखना है, और आपको अगर भूल जाते हो तो एक बार फिर से देखना है, आराम से याद रहेंगी। द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी शॉक में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो अल्फा ब्लॉकर जो जितने भी है वो सेकेंडरी शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। ठीक है, याद कैसे रखना है आपको सेकेंडरी? ठीक है, सेकेंडरी और अल्फा ब्लॉक है ना, तो कोई भी अब पता ही आपको कि सेकेंडरी चॉइस हो, कोई भी अब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो सेकेंडरी चॉइस कभी नहीं लेगा अपनी, ब्लॉक कर देगा। उसको पता लगा कि ये मेरी सेकेंडरी चॉइस है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फर्स्ट चॉइस सबको चाहिए होती है, तो सेकेंडरी अल्फा ब्लॉक। ठीक है, ऑल ब्लॉक। अब नेक्स्ट वन इज एनाफाइलेक्टिक शॉक, और इसकी वो है ड्रग है एड्रेनलिन दी जाती है इसमें। तो एनाफाइलेक्टिक से एना एड्रेनलिन याद रहेगा, एना से एड्रेनलिन, इसकी कोई ट्रिक नहीं, जरूरत नहीं इसमें। और नेक्स्ट वन है सेप्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो सेप्टिक शॉक में हम नॉर एड्रेनलिन देंगे। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन, तो कैसे याद रखना है इसको, इसकी ट्रिक देखते हैं। सेप्टिक से आप लोग बना सकते हैं, सेप्टिक से स्टॉप, सेप्ट स्टॉप है ना, और नॉर से नो, नो मतलब स्टॉप नो, ऐसा सेप्टिक से नो से नॉर एड्रेनलिन आपको आराम से याद रहेगा। ठीक है, एट्थ वन देखते क्या है। तो इसमें है कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शॉक क्या होगी? डोपामिन। डोपामिन कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब इसका मेमोनिक देखते क्या है। तो हार्ट मतलब कार्डियो को क्या कहते हैं, मतलब किसके लिए यूज करते हैं वर्ड? हार्ट के लिए, और डोपामिन दिल। तो हार्ट दिल दोनों रहेगा एक सिनोनिम में, आपको आराम से याद रह जाएगा, दिल से डोपामिन और हार्ट से कार्डियक। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, नाइन्थ वन ऑन मतलब ऑनकोरियोसिस। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑनकोरियोसिस, तो इसकी चॉइस है इवरमेक्टिन। ठीक है, इवरमेक्टिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑनकोरियोसिस। ठीक है, अब याद कैसे रखना है, मतलब देखो ऑन कर कोई कहता है ऑन कर इन्वर्टर, जब लाइट चली जाती है तो बोलता है ऑन कर इन्वर्टर, तो इन्वर्टर से इवरमेक्टिन और ऑन कर से ऑनकोरियोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन बेल प्लेसी। ठीक है,
आई होप यू आर अवेयर ऑफ बेल प्लेसी। बेल प्लेसी क्या होता है आपको पता ही होगा, तो बेल प्लेसी में होता है प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन बेल प्लेसी में साउंड मतलब हियरिंग प्रॉब्लम आती है, कान में घंटी बजने लगती है, तो बेल बजती है तो पीड़ा होती है ना, पीड़ा होती है तो सो नहीं पाते, तो पीड़ित सोनो मतलब कि प्रेडनिसोलोन, ठीक है। बेल प्लेसी पीड़ित सोनो यानी पीड़ित सोनो मतलब सो नहीं पाते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मोर अपडेट के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो रेड बटन होगा उसका उसको प्रेस करने से आप सब्सक्राइब करेंगे, और जो घंटे का बटन होगा उसको आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।